नहीं करते हैं सियासी जंग। दिखाएंगे वही होगा जो 42% हमारे स्टेट में खर्चा होता है, 58% आंध्र में खर्चा होता है। हर सूबेयात में किसी ने उन्होंने खर्चा नहीं किया। आज बजट की बात करते हैं, मैं कहना चाहता हूँ हम जो खर्चा बता रहे हैं ये ऐसे स्कीम्स है उसको छोड़ कर है। आसरा स्कीम देते हैं सीएम साहब, साबिका में 75 मिलते थे, बाद में 200 हुए थे। सीएम साहब ने 2116 किया और आने वाले साल इंशाल्लाह फिर नई स्टेट बनने के बाद हमारी इमीडिएट 1000 बढ़ाया जाएगा। उसके बाद हर महीना हर साल 500-500 रुपये का इजाफा किया गया। पूरे पिछले 5 साल में आसरा पेंशन के जरिए 5000 करोड़ का अरे को फायदा होगा महाना। ये जो बजट बताया जा रहा है इसमें उसका इंक्लूडिंग नहीं है, क्योंकि सीएम साहब एक बात कहते हैं जनरल स्कीम में तो सबको फायदा होना चाहिए, चाहे वो केसीआर की दो या आशा वर्कर के जरिए प्रेग्नेंट वुमेन्स को न्यूट्रिशन फूड प्रोवाइड किया जाए। अरे पहले कांग्रेस के ज़माने में तो नजबंदी कर देते थे मुसलमानों को, बच्चे ज़्यादा पैदा करते बोल के हजारों शिकायतें हमारे पास। आज कहाँ गई नजबंदी? कौन से स्टेट में भी हो सकता है, हमारे स्टेट में तो नजबंदी नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी है, सीजरिंग नहीं है। जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो 5-6-7-8 डिलीवरी हो सकते हैं, अगर सीजरिंग हो जाए तो 3 से ज़्यादा डिलीवर करना मुश्किल होता है। और सीएम साहब लड़का पैदा हुआ तो 12,000 देते हैं कैश और लड़की पैदा हुई तो 13,000 कैश देते हैं, साथ में केसीआर किट भी देते हैं जिसके अंदर 40 आइटम्स हैं। गरीब बच्चों को भी जॉनसन एंड जॉनसन का पाउडर दिया जाता है, ऑयल दिया जाता है जैतून का, ताकि बच्चों की अच्छी परवरिश की जाए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तेलंगाना में 2014 से पहले देख लिया अवार्ड देते थे, अवार्ड कौन सीजरिंग सबसे ज़्यादा किए प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल, आज वो बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि साइंस सबसे अहम चीज़ होती है हर शोबे हद में। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आप तो बहुत से मीडिया के भाई हैं और बड़े बड़े सीनियर मीडिया के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। मैं भी 2014 में तो हुकूमत में आया हूँ, मैं 2001 से सीएम साहब के साथ था। 2014 से पहले हमारी स्टेट का क्या हाल था? अरे करंट नहीं रहता था, शाम होगी 4 घंटे ब्रेकडाउन होता था। अरे 10 बार हम जाके इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ऑफिस में धरना दिए, फजर के टाइम थोड़ा करंट दिया करो, इफ्तार के टाइम पे करंट दिया करो, बंद मत करो। हमारे किसान बशीरबाग पर अगर धरना करे थे 2002 में, क्या चाहते थे? करंट दिन में दिया जाए। क्या हुआ उस ज़माने में? करंट नहीं दिया गया, फायरिंग की गई, 10 किसान बशीरबाग पे ही शहीद हुए। उनका डिमांड था क्या करंट का टाइम चेंज किया जाए। रात में करंट देने से सांप और बिच्छू काटने की वजह से उनके बच्चे देहांत हो रहा था, मगर हुकूमत ने बच्चों के देहांत को रोकने के तो उनके माँ बाप का ध्यान दे दिया। ये थी गवर्नमेंट, कहाँ था करंट बताइए, आप लोग सब जानते हैं। आज हर घर में करंट है, एग्रीकल्चर करंट है, इंडस्ट्रीज को करंट दिया जाता है। पहले इंडस्ट्रीज को 3 दिन हॉलीडे दिए जाते थे, फ्राइडे सैटरडे संडे करंट का एक कोटा दे दिया जाता था, अगर उससे वो ज़्यादा जलाया या कभी संडे या सैटरडे फैक्ट्री खोल दिया लाखों रुपए पेनल्टी मारी जाती थी। आप लोगों को तो अच्छा याद होगा, सीनियर जर्नलिस्टों को, फार्मर से क्या करते थे करंट अगर जला दियो तो उनके मोटर खींच के लाते थे, बिल नहीं दिए तो मोटर जो होते सबमर्सिबल पंप अंदर से खींच के ला के हमारे ऑफिस के पास डाल देते थे। आज कहाँ गया बताइए, जो सुनहरा दौर है कहाँ का है? मैं पूछना चाहता हूँ पीने के पानी के बारे में पूछना चाहता हूँ, पहले कब मिलता था पानी आप ही बोलिए? रोज नहीं मिलता था या एक दिन नहीं मिलता था? कई सियासी चंग
जब फसादात की बात आई है तो ऐसा नहीं है कि अब मोदी सरकार की बात हो रही है, इसीलिए कई पार्टियां परेशान है। यही बताया जा रहा है कि साहब मोदी मोदी मोदी, हम जो है इतने साल से मंशूर की जब बात चल रही है तो भी मेरा सवाल है, देश की आजादी के बाद से आज तक भ्रष्टाचार बढ़ते रहा, जितना अंग्रेज ने लूटे उससे ज्यादा लूटे गया, घर के नौकर को देखा, देश का नाम वाले के नौकर को नहीं देखा जा रहा, इलाके के नौकर एक मिनट जाते सर, बीजेपी नहीं कांग्रेस नहीं किया रहती, तो एक हमारे लिए कालम रखा गया है कि कोई नहीं तो उसको वोट डालेंगे, वोट उनको दे जो भ्रष्टाचार नहीं करते हैं। सियासी जंग दिखाएंगे, वही होगा जो सही।